कोशिश की है कि इसको सम अप करूं मैं कम वक्त में। ये जो रीसेंट एपिसोड, ये कॉन्टेक्स्ट जो सारा मैंने रखा है, उसको देख के आप कैसे समझते हैं? मैं समझता हूँ जो उतार चढ़ाव जिसकी आपने बात की, ये उसी का एक हिस्सा है। और अमेरिका वो मुल्क है जो खुल्लम खुल्ला कहता है कि दोस्त और दुश्मन जो हैं वो मुस्तकिल नहीं हुआ करते, और जो मफादात हैं वो मुस्तकिल होते हैं। सही। तो जिनकी फॉरेन पॉलिसी का पिलर ही इसी पर बेस्ड हो, उनका वो जो इमारत है वो फिर इसी के मुताबिक बिहेव करेगी ना। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हमारे सोचने की है, बल्कि इसकी सोच बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। ये जो हम जज्बाती और एहसासात के तहत कुछ ऐसी बातें अपने लोगों तक पहुंचा देते हैं, और फिर जो हमने जिसका सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई ताल्लुक नहीं है, अपने अपने मफादात देखने हैं। आलमी सियासत का कोई जमीर नहीं होता। अगर वो अपने मफादात देखते हैं तो हमें भी अपने मफादात देखने, और यही डिप्लोमेसी होती है, यही आपके ताल्लुकात की बुनियाद होती है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, मसलन जैसे हमने देखा कि आपने अगर उनको ये सारे हवाई और ज़मीनी रास्ते दे दिए अपनी सप्लाई लाइंस के लिए, थ्रू आउट दिए रखे जब से ये 9/11 के बाद का किस्सा बना, तो ये आपने मुफ्त कैसे दे दिए? उनके यहाँ अगर आप कोई चीज़ मुफ्त देते हैं तो उनके यहाँ शक व शुभात जन्म लेते हैं। ये चीज़ वहाँ नहीं है, वहाँ तो कहा जाता है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, आपकी सर्विसेज जो हैं उसकी पेमेंट होती है, पूरी दुनिया में ऐसी है। तो न जाने किन असबाब पर हम अपनी पॉलिसी और हम अपना रवैया जो है और हम अपनी जो उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं उनको बेस करते हैं, जिसके तहत बजाय उसके फवायद के हमें नुकसानात शुरू हो जाते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हम शुरू से, वो जो आपने तारीख पूरी बताई, गलती तो वहीं पे हो गई थी कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली साहब, उन्होंने अमेरिका का दौरा कर लिया। सही। और रूस का दौरा जो था वो हमने रिफ्यूज़ कर दिया। आपके डोर स्टेप पे एक और सुपर पावर मौजूद है, तो क्या ये तरीका होता है लोगों के साथ ताल्लुक कायम करने का कि आप एक को यानी इस हद तक दोस्ती कर लें कि दूसरा खुद ब खुद दुश्मन बन जाए? और थ्रू आउट हमारा रवैया क्या रहा, उनके साथ दुश्मनी, इनके साथ दोस्ती। सही। आपका जो हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, उसने तो सबके साथ अपने ताल्लुकात, रूस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, सारी उम्र ताल्लुकात रूस के साथ उनका फायदा उठाता रहा। आज अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात, आज वो अमेरिका की गोद में भी जाके बैठ गया। तो मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी जो है उसमें बहुत बड़ी, थ्रू आउट हमारी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच थी उसके अंदर बहुत बड़ी हमने गलती की, और उस गलती को कायम रखते हुए हम आगे चलते रहे। अमरीका का आपके साथ रवैया बिल्कुल, जब उसको मफादात उसके थे, जहाँ थे उसने आपको इस्तेमाल किया, जहाँ उसके मफादात नहीं थे उसके जैसे वो अभी करने की कोशिश अभी भी यही है। जो लियाकत अली खान साहब का आपने नाम लिया, तो मैं जरा हुमा वकाई साहब के पास जाता हूँ। लियाकत अली खान साहब की अपनी जबान से जरा सुनवाते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान के बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से लियाकत अली खान ने क्या कहा था। वो सिर्फ अमेरिकन स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन वो एक रहनुमा उसूल जरूर हो सकता है। दिखाएं जो वी विल नेवर अलाउ our freedom to be taken away, we shall fight aggression wherever it may be, and Pakistan shall cooperate with all those countries who want peace in the world and progress of mankind. राइट जी, हुमा जिधर इशारा किया शायद लतीफ साहब ने, ये बात अक्सर होती है कि हम उस वक्त अमरीका के ब्लॉक में क्यों चले गए, हमें सोवियत यूनियन के साथ भी हो सकते थे, आज जो रूस है। तो जो बात खुद लियाकत अली खान साहब ने की है, गर्चे इन्हीं के दौर में पहला सरकारी दौरा हुआ हेड ऑफ द स्टेट का पाकिस्तान से अमेरिका की तरफ, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि अगर मैं अमेरिका जा रहा हूं तो फिर मेरे बाद आने वाले जितने भी सक्सेसिव रिजीम्स हैं वो बिल्कुल अमरीका के सामने लेट जाए। वो तो कह रहे हैं कि हमारी आजादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होना चाहिए। तो आने वाले जो सक्सेसिव रिजीम्स थे लियाकत अली खान के बाद, वो बैलेंस करते ना रिलेशंस को? आई थिंक आप बहुत हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। लॉट ऑफ वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज। अगर हम इस फॉरेन पॉलिसी देखें तो किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी जो है वो पिछले 10 या 12 और 15 सालों में आपको बिल्कुल तब्दील होती हुई नजर आएगी। तो मैं, और चाहे वो आप इंडिया को ले लीजिए, इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट लेके चलता था, आज जैसे भी शाहिद लतीफ साहब ने कहा कि ऐसी कन्वर्जेंस है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने पिलर ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी को गिरा दिया है। मेरी आपसे गुजारिश कुछ और है, मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ बात आपके तवसुत से करना चाहती हूँ। देखिए, हमें खित्ते की सियासत भी तब्दील हो रही है और दुनिया की सियासत भी तब्दील हो रही है,
और इसमें इतना जो इस वक्त शोर मचा हुआ है ट्रंप की ट्वीट का, मेरा ख्याल है ये तो कंटिन्यूटी है उस रीअलाइनमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिलेशंस की जो खित्ते में हो रही हैं, और अब वो आपको बिल्कुल बढ़ चढ़ के साफ तौर पे नज़र आ रही है। हम कई दो सालों से तो कम अज़ कम ये कह रहे हैं ना कि एक कन्वर्जेंस है वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली के बीच में, और ऑन दी अदर साइड आपको कंसोलिडेशन ऑफ रिलेशनशिप नज़र आती है बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच में। अब सूरत हाल ये हुई है कि इस रीअलाइनमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स का जो यूनिपोलर स्टेटस है वो भी चैलेंज हो रहा है, और जब वो ये यूनिपोलर स्टेटस चैलेंज हो रहा है तो उसको वो जेलसली गार्ड कर रहा है, और उसके नतीजे में आप पाकिस्तान की तरफ इन गन्स का रुख देखते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि अफगानिस्तान में अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अहदाफ बिल्कुल बदल गए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का अब ये हसूल नहीं है कि वहाँ पे या अमन हो जाए, कि तालिबान डिफ़ीट हो जाए, कि ISIS डिफ़ीट हो जाए। उनका असल मसला ये है कि उन्हें वहाँ से निकलना नहीं है, क्योंकि अब उनकी नज़र है एक राइजिंग चाइना पे, उनकी नज़र है एक असर्टिव रशिया पे, उनकी नज़र है ईरान पर, उनके को किसी हद तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खटकता है, जहां जिसके बैकयार्ड, इन तमाम चीज़ों के बैकयार्ड में वो परमानेंटली रहना चाहते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये तवातुर से इस वक्त अमेरिकन मकाले इस हवाले से आ रहे हैं। एक तीसरी बड़ी तब्दीली जो खित्ते में हुई है वो आप थोड़ा सा निगाह तो डालिए कि जो इंडो अमेरिकन डिफेंस कन्वर्जेंस है या मिलिट्री अलायंस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी इंडिया ने कभी अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतना आर्म किसी मुल्क से खरीदा ही नहीं जितना आर्म्स वो इस वक्त अमेरिका से खरीद रहा है, और इसकी वजह से अमेरिका को अगर ये पाकिस्तान से वाकई ये काम करवाना हो ना तो वो क्वाइट डिप्लोमेसी अपनाए। अमेरिका पब्लिक डिप्लोमेसी अपनाता है, वो माजरत के साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, पब्लिकली पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करता है, क्योंकि एक वो मखसूस लॉबी है जिसको वो वहाँ अपीस करना चाहता है, और खित्ते में वो इंडिया को बिल्डअप कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी और इन सम वेज चाइना के ख़िलाफ़ भी। तो मेरा ख्याल है ये वो कंस्ट्रक्ट है जिसकी लाइट में हमें इस पाकिस्तान US के बदलते हुए ताल्लुकात देखने चाहिए। यहाँ लम्हा फिक्रिया ये है कि जब आप दो न्यूक्लियरली आर्म्ड प्रोटेक्निस्ट इन द रीजन जिनका ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट बैगेज जो है वो मेरे और आपके सामने, उनको अगर आप पिच कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ एक तीसरी सरजमीन पर, अफगानिस्तान में जो थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो वहाँ आ गया, तो फिर इसकी रिपरकशंस जो हैं वो रीजनल नहीं होंगी, वो ग्लोबल होंगी। और अगर आप पाकिस्तान को बाय द वे इस वक्त थ्रेट करते हैं तो आप चाइना की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को थ्रेट करते हैं, आप चाइना की इकोनॉमिक थ्रस्ट को थ्रेट करते हैं। तो मेरे ख्याल ये वो तमाम अवामिल हैं जिसके नतीजे में आप ये देख रहे हैं इस वक्त अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान पे इस वक्त शदीद तरीन गुस्सा अमेरिका को इसलिए है कि बहुत अरसे बाद शायद पाकिस्तान जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में रीअलाइनमेंट कर रहा है, और शायद हम ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी आपके ऊपर डिपेंडेंस है इकोनॉमिक फाइनेंशियल, हम शायद उसे भी तोड़ना चाहते हैं। हालांकि ये जो इस वक्त हमारा डेट ट्रैप है वो मुझे नज़र आता है, लेकिन दर हकीकत तो हम यही कह रहे हैं ना कि अमेरिका कह रहे हैं कि आप हमें, हम आपको पैसे देते हैं, आप सही काम नहीं करें वरना हम आपके पैसे बंद कर दें। हम अभी कह रहे हैं आप बेशक हमारे पैसे बंद कर दें, लेकिन और मैं आपको ये भी गुजारिश कर दूं कि इस वक्त जो अमेरिका की विश लिस्ट है जो शायद उन्होंने कन्वे की है पाकिस्तान को, उसमें से एक भी डिमांड ऐसी नहीं है, एक भी डिमांड, मैं ये बिल्कुल आप तस्दीक कर रही हूँ इस बात की आपसे, क्या जो पाकिस्तान बगैर अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर उसको मीट कर सके। तो मेरा ख्याल है ये वो नई रीसेटलमेंट और रीअलाइनमेंट ऑफ रिलेशनशिप है जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में हो रही है। मैं जरा पीजे मीर साहब को भी शामिल करता हूं, करना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये करना चाहिए, लेकिन अपने ट्रैक पे रहना चाहिए। ट्रंप की वजह से ये सारा इस वक्त जो फ्लेयर अप हो रही है सिचुएशन, ये ट्रंप की ट्वीट की वजह से, मेरा ख्याल कि ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है ये हिलरी क्लिंटन के जमाने से शुरू हुआ था। चले, लेकिन ये अभी जो रिसेंटली एपिसोड है हम जरा उस पर बात कर रहे हैं, तो पीजे मीर साहब मेरे पास 8 ट्वीट्स हैं ट्रंप की, हाँ, तो वो 2011 दिसंबर से लेके अब तक की, ये 8 ही ट्वीट्स की है उसने जिसमें उसने पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया है दिसंबर 2011 से लेके अब तक, और इन 8 ट्वीट्स में
उसने कहीं भी पाकिस्तान के लिए खैर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। प्रेसिडेंट तो वो बना है ना 2016 के एंड पे और फिर उस 2017 जनवरी में उसने हल्फ उठाया था, लेकिन 2011, 2012, 2014 में दो ट्वीट्स, 2016 मार्च में एक ट्वीट, उसमें भी वो पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान सेफ हेवन है दहशत गर्दों का, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो है उनके ऊपर वो सवालिया निशान उठा रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। अभी तो 3 साल इसने और गुजारने हैं ट्रंप ने, मेरी जनवरी में इसको 1 साल अब मुकम्मल होने वाला है, तो ये आप कैसा देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस पाकिस्तान ये जो अगले 3 साल? देखें, ये इस तरह की जो ट्वीट्स होती हैं ये वो खुद नहीं करेगा और ना इनको सीरियसली आप इतना लें, लेकिन इनके जो एडवाइजर्स हैं नेचुरली ये कुछ सोच समझ के बात करेगा। आफ्टर ऑल हम तो चलो यहाँ मजाक उड़ाते हैं, अमेरिकन खुद इस आदमी का मजाक उड़ाते हैं, नॉन सीरियस आदमी है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि एक मेजर सुपर पावर है। इसको हमने देखना है, इसका जो रिएक्शन हमने देना है वो रिएक्शन एक बड़ा समझ के और बड़ी संजीदगी से इसका एक रिएक्शन देना है। इस तरह की आपने बड़ी एक नैरेटिव दी है, हिस्टोरिकल नैरेटिव, जिस तरह हुमा बात कर रही है, वी हैव टू मूव ऑन। आपके जो डायनेमिक्स हैं, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, डिप्लोमेटिक डायनेमिक्स, ये कंटिन्यूली चेंज होते हैं। और जिस तरह के शायद लतीफ़ साहब ने अभी बात की है, देखें फ्रेंडशिप की कोई भी नहीं है, ये आप चाइना कहते हैं ना, कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं है, ये इंटरेस्ट्स होते हैं। और हमने आज डिस्कस करना है कि ये व्हाई इज अमेरिका बिकमिंग डिसइंटरेस्टेड, व्हाई इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन आर अफेयर्स, जब ये बार बार डू मोर का कहता है तो व्हाई, व्हाट आर द रीजंस? यहाँ हमें एक मैं समझता हूँ एक नैरेटिव आपका बनना चाहिए, जो आपका थिंक टैंक होना चाहिए, जो आपके लॉबियस्ट होने चाहिए, उनको जाके समझाएं, उनको बताएं। देखें आपका मिस्ट्रस्ट काफ़ी ये हो गया था जब जनरल कियानी यहाँ हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसके अंदर वो एबटाबाद का एक इशू हो गया, फिर रेमंड डेविस का इशू हो गया, ट्रस्ट विजिट्स काफ़ी उधर से ख़राब हो गए थे, बट ग्रेजुअली रिपेयर किए, अगेन ये उस तरह ख़राब हो गए। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? व्हाई इज़ अमेरिका नॉट ट्रस्टिंग अस? व्हाई इज़ इट दैट देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट नॉट बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान, इट इज़ बिटवीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। हम चारों तरफ से हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। अब इसके अंदर जो इनकैशमेंट है आपने वो देखनी है, सबसे ज़्यादा इनकैशमेंट कौन कर रहा है? हिंदुस्तान कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? आप उसका ये देखें ना, ये जो